हर तरह की हमने माईशत की वजह से, नीचे जाने की वजह से सारी कौम ने मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मैं आज सारी कौम को इस चीज़ का कहना चाहता हूँ कि कौमों की ज़िंदगी में अच्छा बुरा वक्त आता है। कोई भी कौम ऐसी नहीं होती जो कि हमेशा अच्छा ही वक्त उसकी ज़िंदगी में आए। ऊंच नीच एक ज़िंदगी का हिस्सा है और कौमों की ज़िंदगी का भी ऊंच नीच हिस्सा है। एक बड़ा गलत फ़ैसला किया गया, एक बदनीयती के वजह से उसके ऊपर बेस करके एक गलत फ़ैसला किया गया अप्रैल में। एक गवर्नमेंट जो कि चल रही थी और जिसने बैंकक्रप्ट मुल्क संभाला 2018 में, और उधर से कोरोना के बावजूद पाकिस्तान की तारीख की तकरीबन बेहतरीन परफॉर्मेंस थी। सिर्फ मिलिट्री गवर्नमेंट्स की, जब अमेरिकन डॉलर्स आ रहे थे तो उनकी सिर्फ ऐसी परफॉर्मेंस थी जो कि हमारी गवर्नमेंट की थी। तो बैंकक्रप्ट मुल्क लेके एक बेहतरीन परफॉर्मेंस दी जो कि आज गवर्नमेंट की पब्लिश की हुई इकोनॉमिक सर्वे के अंदर सबके सामने है कि सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ऊपर जा रहे थे। उधर से गवर्नमेंट को गिराया गया और इसके पीछे फिर से मैं कहता हूँ बदनीयती थी। और उसके बाद चोरों को ऊपर मुसलत किया गया जो 30 साल से इस मुल्क में चोरी कर रहे थे, जिनके ऊपर करप्शन केसेस हमने नहीं बनाए थे। 95% जो करप्शन केसेस थे वो इनके दौर के बने हुए थे, उनको ऊपर मुसलत किया गया। उन्होंने आते साथ ही अपने सारे करप्शन के केसेस ख़त्म किए। और अफसोस ये है कि जो FIA के केसेस, ये जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं, जो 4 गवाह थे वो आते साथ ही 2 महीने के अंदर मर गए। 4 गवाह सारे हार्ट अटैक से मरे, कोई इतनी उम्र का नहीं था कि जो कि जिसको हार्ट अटैक होता। और जो एक इन्वेस्टिगेटर था डॉक्टर रिजवान, वो भी हार्ट अटैक से मरे। तो इन लोगों को ऊपर मुसलत किया गया, इन्होंने अपने आप को ड्राई क्लीन किया। और जो मुल्क की मायशत है उसको, जो मैंने शुरू में बात की थी, उसको उधर इन्होंने धकेल दिया है कि आज नए साल में हमारे पास सिर्फ 2 चॉइसेस रह गई हैं। या बड़ा मुश्किल फैसला है IMF के पास जाने के लिए, या उससे भी मुश्किल फैसला है IMF के पास ना जाने के लिए, ना जाएं। अगर हम IMF के पास जाते हैं तो एक और महंगाई की लहर आने वाली है, क्योंकि इन्होंने मायशत का जो सत्यानाश किया है, ये कोई हमारे मुल्क की तारीख में ऐसा नहीं है। बल्कि हम पढ़ते थे इकोनॉमिक हिटमैन क्या करता है आके, कि वो मुल्क को मकरूज कर देता है और फिर मुल्क के जो सारे असासे हैं वो फिर बाहर की कुवतों को सस्ते दाम पर दिए जाते हैं। ये एक बड़ी फेमस किताब है इकोनॉमिक हिटमैन की। तो ये भी वही अब सिचुएशन है कि तकरीबन ऐसे लगता है साजिश के तहत इन चोरों को लाया गया, जिन्होंने आके मुल्क की मायशत बिल्कुल नीचे गया और ख़ुद अरबों रुपए, 1100 अरब रुपए के केसेस अपने माफ़ करवा लिए। तो आज हम जिधर खड़े हैं, मैं, क्योंकि नया साल है, पहला दिन है, मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मुश्किलात आएंगी। अब तैयारी कर ले मेरी कौम के महंगाई आने वाली है। एक अभी जो महंगाई है इससे ज़्यादा महंगाई आने वाली है, क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है IMF के प्रोग्राम के बगैर। अगर हम IMF का प्रोग्राम में नहीं जाते तो हम डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे, जिससे और ज़्यादा मज़ीद मुश्किलात होंगी जो कि हम इस प्रोग्राम में जब जाएंगे तो हमारे पास आएंगी। लेकिन मैं आपको अपनी कौम को सिर्फ ये मुश्किलात जो सामने खड़ी हैं, एक आपको पैगाम देना चाहता हूँ। और मैं उन पाकिस्तानियों को भी जो 7.5 लाख पाकिस्तानी मुल्क छोड़ के चले गए इन पिछले 7 महीने में, और ये जो हमारी इंडस्ट्री बंद हो रही है और हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट भी बाहर जा रहे हैं मुल्क से, मैं उन सबको कहना चाहता हूँ कि देखें, जब कौम में मुश्किल वक्त आता है ना तो आप छोड़ के बाहर नहीं भाग जाते, आप खड़े होकर मुकाबला करते हैं उसका, और फिर मुश्किलें हल हो जाती हैं। हमारे से बहुत बुरे हालात जर्मनी और जापान के थे दूसरी जंग अजीम के बाद, वहाँ भी तकरीबन कोई बिल्डिंग ही नहीं खड़ी थी, फैक्ट्रियाँ तबाह हो गई थी, शहर सारे तबाह हो गए थे। उनकी ये समझें कि कोई सोच ही नहीं सकता था कि उधर से कोई खड़ा हो सकता, लेकिन वो दोनों मुल्क चंद सालों के अंदर अपने पैर पे खड़े हो गए।
और वो क्यों खड़े हुए? क्योंकि दोनों कौमें थीं, उन्होंने बाहसियत कौम मुकाबला किया। मुश्किल वक्त का कौमें मुकाबला करती हैं। ये नहीं होता कि जब मुश्किल वक्त आता है तो आप मुल्क छोड़ के बाहर भाग जाएं। तो आप, मैं अपनी सारी कौम को कहना चाहता हूँ, हमने मिल के इसका मुकाबला करना है। ये जो हमारे ऊपर चोर मुसल्लत किए गए हैं, इनका हमने मुकाबला करना है। हमने बाहर नहीं भाग जाना। मेरे ऊपर हर दूसरे दिन कोई नया केस आ जाता है, कभी डिस्क्वालीफाई करेंगे, कभी इसको निकाल लेंगे, कभी जेल में डालेंगे, मेरे लोगों के ऊपर केसेस हैं। तो क्या हम मुल्क छोड़ के तो नहीं बाहर भागे? मैं तो यहीं खड़े होकर इसका मुकाबला करूँगा। जान को ख़तरा है लेकिन मैं यहीं मुकाबला करूँगा। और मैं आप सबको कहना चाहता हूँ कि ये अल्लाह ने हमें एक तोहफ़ा दिया है पाकिस्तान, और कायद आज़म ने कहा था कि कोई ताकत पाकिस्तान को तबाह नहीं कर सकती, क्योंकि कायद आज़म ने तब सोचा था कि हम बाहसियत कौम जो अपनी आज़ादी को एक समझती है कि अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है कि हमें अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली, तो हम बाहसियत कौम मुकाबला करेंगे। लेकिन हम कौम नहीं बन सके। लेकिन खुशखबरी ये है कि पहली दफ़ा मैं देख रहा हूँ कि मेरा मुल्क कौम बनने जा रहा है। और इसलिए मैं कहता हूँ कि हम हर मुकाबले का, हर मुश्किल का मुकाबला कर सकेंगे। तो मैं नए साल में फिर से आपको मुबारक देने के बाद कहता हूँ, तैयार हो जाएं। हमने इस मुल्क को निकालना है इससे, और इंशाल्लाह हम निकालेंगे। हम जब एक क्राइसिस आता है तो वो एक मौका भी मिल जाता है, एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि हम अपने आप को, अपनी इस्लाहत करें, अपने इदारों को ठीक करें। सबसे बड़ी बात ये कि पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी लेके आए, इस मुल्क में इंसाफ का निज़ाम कायम करें। और मैं समझता हूँ कि अगर हमने इस जो ये अगले तबाही आ रही है रास्ते में, इससे सिर्फ निकलने का एक काम है कि कौम सारी खड़ी हो जाए कि हम यहाँ अदल और इंसाफ चाहते हैं, हम ताकतवर को कानून के नीचे लेना चाहते हैं। जो अल्लाह ने कुरान में कहा हुआ है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत एक मुल्क के अंदर एक अल्लाह की ज़मीन पे इंसाफ कायम करो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा हुआ है कि बड़ी कौमें तबाह हुई जिधर ताकतवर के लिए चोरी करता था तो उसको नहीं पकड़ते थे, कमज़ोर को पकड़ते थे, वो तबाह हो जाती थी। और हज़रत अबू बकर जब खलीफ़ा बने, हज़रत उमर जब खलीफ़ा बने, दोनों ने पहली पहली तकरीरों में कहा कि हम इंसाफ कायम करेंगे, हम ताकतवर को कानून के नीचे लेके आएंगे। तो ये हम सारी कौम को फैसला कर लेना चाहिए कि अगर हमने अब इसमें से निकलना है, कानून की हुक्मरानी होगी, जंगल का कानून नहीं होगा जो आज पाकिस्तान में है कि ताकतवर चोरी करे और माफ़ हो जाए और बेचारे गरीब लोग जेलों में हो और वो चोरी करके बाहर पैसा ले जाए और हमारे पास कोई तरीका ही ना उनको पकड़ने का। तो मैं अब जिसके लिए मैंने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्योंकि पहला साल था तो मैंने आप सबको तैयार करना था सारों को, ताकि मैं भी इंशाल्लाह ठीक हो रहा हूँ, तो हमने सब ने मिल के अब इसका मुकाबला करना है। भागते नहीं हैं, मुकाबला करते हैं। लेकिन आज मैंने जो मीडिया टॉक किया वो इसलिए कि हमने जब सैलाब आया पाकिस्तान में तो हमने पैसा इकट्ठा किया। मैं शौकत हानम के लिए 30 साल से पैसा इकट्ठा कर रहा हूँ, नमल यूनिवर्सिटी के लिए पिछले 15 साल से पैसा इकट्ठा कर रहा हूँ, उससे भी ज़्यादा 17 साल से, तहरीक इंसाफ के लिए भी 17 साल से पैसा इकट्ठा कर रहा हूँ। मैं हमेशा जो भी पैसा इकट्ठा करता हूँ सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंटली, शफाफियत से करता हूँ, और मैं हमेशा लोगों के सामने सारे अपने अकाउंट्स रखता हूँ। तो जो हमारा जो ये कह रहे हैं फॉरेन फंडिंग है, ये जो इलेक्शन कमीशन है, वो मैं चैलेंज करता हूँ आज कि सिर्फ हमारी पार्टी के सारा फंड, जितनी हमने पैसे इकट्ठे किए हैं वो सारा डॉक्यूमेंटेड है। 40,000 डोनर्स हमने डॉक्यूमेंट किए हुए, जब तक किसी और पॉलिटिकल पार्टी का ये नहीं है। और उसी तरह जो नमल यूनिवर्सिटी और शौकत हानम के, कोई चेक कर सकता है हमारे अकाउंट्स, हम सारा कुछ ट्रांसपेरेंट है। तो मैं जो हमने सैलाब में पैसा इकट्ठा किया था उसकी आज मैं चाहता हूँ डॉक्टर सानिया आपको प्रेजेंटेशन दें, सैलाब के जो हमारे जितना प्लेजेज आए थे उनमें से कितना हमने खर्च किया, कितना आगे करना है, जितनी अभी प्लेजेज आनी है वो डॉक्टर सानी आपको बताएंगी। मैं सिर्फ एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि ये जो सैलाब था इसने पाकिस्तान के गवर्नेंस सिस्टम को पब्लिक के सामने लेके आया कि कौन सी हुकूमत ने कितनी तैयारी की थी कि अगर सैलाब जैसा एक
ऊपर से अजाब आता है, एक मुश्किल वक्त आता है, तो हम उसका कैसे मुकाबला करेंगे। तो पख्तूनख्वा का आप ये देख लें कि उन्होंने जो नुशहरा जो सबसे ज़्यादा वनरेबल होता है जब सैलाब आता है, तो उन्होंने जो बंदे हमारी हुकूमत के दौरान अरबों रुपए के जो बंद बनाए थे उसने नुशहरा को बचा लिया। उसके बाद जो पंजाब में दो जगह, एक तौंसा शहर, वो अगर वहाँ इन्वेस्टमेंट ना अरबों रुपए की जाती उसकी प्रोटेक्शन में, तो वो डूब गया था सारा। और फिर जो लाहौर के अंदर अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स बनाए हैं ये हमारे हुकूमत के दौरान, तो जब लाहौर में पानी आता है वो खड़ा नहीं होता, वो टैंक्स में चला जाता है, वो पानी से फिर पौधों के पानी देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन सिंध के अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि क्योंकि सिंध का फ्लैट है, उसके लिए बहुत ज़रूरी था कि जब पानी आता है तो वो ड्रेन कर सके। तो जो राइट बैंक आउटफॉल कैनाल बनाई गई थी वो पानी को ड्रेन करके लेके जाना था समुंदर में। अब वो 2020 में वापडा ने हमारी हुकूमत के दौरान वो जो अपना उन्होंने एरिया कंप्लीट कैनाल का जो कंप्लीट करना था वो कर दिया था। उन्होंने सेवन शहर तक वापडा ने जो राइट बैंक आउटफॉल कैनाल का था वो पूरा कर दिया था। लेकिन जो आगे सिंध हुकूमत थी उसने वहाँ से आगे लेके जाना था पानी समुंदर तक, वो नहीं उन्होंने किया। उसकी वजह से तबाही बहुत ज़्यादा मची उधर, आपके सामने सिंध के हालात थे। और उसमें सारे जो हमारे लोग हैं वहाँ बताते हैं कि बदनीयती भी थी, ताकतवर ने अपनी ज़मीनें बचाने के लिए कमज़ोर की ज़मीनें डुबो दी, ये सारी हमें रिपोर्ट्स हैं। तो हमने फैसला किया था कि जो भी पैसा इकट्ठा होगा वो हम सारे पंजाब में देंगे, पख्तून हम सारे सूबों को देंगे। तो जो सिंध का पैसा था वो अभी डॉक्टर सानिया आपको बताएंगी, हम उनसे जो डेटा मांग रहे हैं सिंध हुकूमत से और NDMA से, वो हमें डेटा ही नहीं दे रहे। तो ताकि हमने 1 अरब का फैसला किया था सिंध में बांटने का, लेकिन उसका डेटा ही नहीं मिल रहा। तो डॉक्टर सानिया आपको सारी इसकी डिटेल्स देंगी। तो डॉक्टर सानिया प्लीज़ आप ज़रा आप लोगों के सामने जो भी कितना पैसा इकट्ठा हुआ, कितना आना है और वगैरह प्लीज़ लोगों के सामने बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया चेयरमैन साहब। सबसे पहले तो मैं तमाम सुनने वालों को नए साल की मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ, और खुदा करे कि अल्लाह ताला ये नया साल हमारे मुल्क के लिए खैर का सबब बना के लाए। फ्लड डोनेशंस का जहाँ तक ताल्लुक है, तो आप सब जानते हैं कि चेयरमैन साहब ने 3 टेलीथॉन्स की थी। वक्तन फवक्तन हम उन डोनेशंस की क्या यूटिलाइजेशन है, क्या स्टेटस है, वो हम स्लाइड्स पब्लिक भी करते रहे, मगर आज एक जामे स्लाइड डेक हम पब्लिक कर रहे हैं जिसका URL अभी आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। इस पर आपको तमाम तफसील डोनेशंस के हवाले से नज़र आ जाएगी। कुछ चीदा चीदा बातों की मैं तफसील आपके सामने रखना चाहती हूँ। स्नैपशॉट ये है कि हमारे पास टोटल प्लेजेस 15 अरब की आई थी 3 टेलीथॉन्स में। अभी तक हमारे अकाउंट्स में 4.6 अरब जमा हो चुके हैं, और ये डिफरेंस क्यों है ये इस पर अभी मैं तफसील आपको बताती हूँ। 3.4 अरब चीफ मिनिस्टर पंजाब के फ़ंड में, 1.2 अरब चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा के फ़ंड में, ये मेन डोनेशंस हैं। अभी तक ये 4.6 अरब की जो डोनेशंस आई हैं उसमें 3.6 अरब जो हैं वो खर्च हो चुके हैं, और आज की तारीख में हमारे 2 डैशबोर्ड्स जो हैं वो भी हम पब्लिक करने जा रहे हैं, जिनके URL अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इन डैशबोर्ड्स पे आपको एक्सपेंडिचर की तमाम तफसीलात आप देख सकेंगे, और मैं अभी आपको ये कुछ दिखाऊंगी भी। 1 अरब जो है हमने सिंध के लिए रखा हुआ है, वो चेयरमैन साहब जब सिंध गए थे तो उन्होंने अनाउंस किया था, और हम डेटा अवेट कर रहे हैं क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में जो सर्वे है वो मुकम्मल हो चुका है, और हमारी एक्सपेक्टेशन है कि सिंध में भी सर्वे मुकम्मल हो गया होगा, तो जितना जल्दी वो हमें डेटा देंगे उतना जल्दी हम ये 1 बिलियन जो है, 1 अरब जो है वहाँ पर 40,000 लोगों को में बांट देंगे। इसकी तफसील भी और पॉलिसी आगे आपको बताती हूँ। ये जो प्रेजेंटेशन आज हमने पब्लिक की है उसमें अकाउंट्स जो कलेक्ट कर रहे हैं, जितनी फंड कलेक्शन हुई है, जितने राउट से हुई है, जितने चैनल से हुई है, उनकी तमाम तफसील है। जो हमने प्रोसेस अडॉप्ट किया है
सर्वे के लिए, एलिजिबिलिटी के लिए, डेटा एनालिटिक्स के लिए, पेमेंट्स के लिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए, उसकी भी तफसील दर्ज है। फंड कलेक्शन जो हुई है इसमें हम स्लाइड डेक में हमने ये भी बताया कि इंटरनेशनल डोनर्स से कितना आया है, डोमेस्टिक डोनर्स से कितना आया है। 66% डोमेस्टिक डोनर्स से आया है, 34% इंटरनेशनल डोनर्स से आया है। ट्रांजैक्शंस कितनी हुई हैं उसकी भी तफसील है। ट्रांजैक्शन साइज जो है, यानी कि साइज ऑफ डोनेशन फॉरेन डोनर्स का कितना है, यानी कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, जो डोमेस्टिक डोनर्स हैं उनकी एवरेज साइज ऑफ डोनेशन क्या था। थोड़ा सा मैं तफसील से बचाना चाहती हूँ, क्योंकि अक्सर ये सवाल होता है कि तीन टेलीथॉन्स में प्लेज तो लोगों ने 15 अरब किए हैं, मगर आपके अकाउंट्स में इस वक्त 4.6 अरब मौजूद हैं। ये क्यों है, ये समझना बहुत अहम है। इसकी तीन वजूहात हैं। सबसे पहले तो ये कि तकरीबन 3 से 4 अरब की जो प्लेजेस थी वो हमारे अकाउंट्स में आनी नहीं थी। उन लोगों ने टेलीथॉन से इंस्पायर होके कमिटमेंट्स की थी, मगर उन्होंने अपने चैनल से ये खर्चा करना था, नंबर एक। नंबर दो ये कि 4.3 अरब की जो क्रेडिट कार्ड डोनेशंस हैं वो फेल हुई हैं, और ये मैं कोई आपको आर्बिट्ररी कोई फिगर नहीं बता रही, ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने हमें ये फिगर दी है कि 4.3 बिलियन रुपए की जो ट्रांजैक्शंस हैं क्रेडिट कार्ड बाहर से जो ट्रांजैक्शंस हैं वो फेल हुई हैं। इसके भी 5 वजूहात हैं। 58% जो अमाउंट है ये 4.3 अरब में, वो इसलिए फेल हुई है क्योंकि जो ओनर ऑफ द स्कीम यानी कि मास्टर कार्ड या वीज़ा जो क्रेडिट कार्ड है उन्होंने ये डोनेशन ऑथराइज नहीं की। पाकिस्तान पैसे भेजने में लोगों को काफ़ी मसाइल सामने आते हैं, और इस वजह से ये बहुत बड़ी रकम जो है हमारे अकाउंट्स में नहीं आ सकी। 15% जो है वो ऑथेंटिकेशन फेलियर है, और इसके भी आगे कई रीजंस हैं, यानी कि जो OTP उन्होंने, जो OTP आता है आपके फ़ोन पे जब आप ट्रांजैक्शन करते हैं वेबसाइट पे जाके, या वो एक्सपायर हो गया, या CCV 3-डिजिट नंबर जो पीछे लिखा होता है क्रेडिट कार्ड के वो इनकरेक्टली उन्होंने डाला, तो 15% ऑथेंटिकेशन फेलियर्स हैं। 21% जो फेलियर्स थे इस 4.3 अरब में वो भी इश्यूअर बैंक यानी कि जो बाहर का बैंक था उन्होंने डिक्लाइन किए, और उसकी वजह ये थी कि या तो क्रेडिट कार्ड लिमिट नहीं थी, या उस क्रेडिट कार्ड पे डू नॉट ऑनर मार्क था। और अक्सर क्रेडिट कार्ड जो बाहर के मुल्कों में होते हैं वो छोटी मोटी रिटेल ट्रांजैक्शंस के लिए होते हैं। अगर वो एकदम $5,000 पाकिस्तान भेजना चाहें तो उनका इश्यूअर बैंक उनको ब्लॉक कर देता है। 2% जो फेलियर्स थे वो टेक्निकल एरर्स थे, या तो उसमें सिस्टम डाउन था और या तो वो हमारी एक प्रॉब्लम की वजह से था, क्योंकि हमने जब ये पहली टेलीथॉन चेयरमैन साहब ने की तो 48 घंटे के लिए हमने जो डोनेशन की लिमिट थी वो $10,000 रखी थी। हमें मालूम नहीं था कि लोग बहुत बड़ी बड़ी अमाउंट्स में डोनेशन करेंगे। तो 2% फेलियर्स इस वजह से थे कि या तो सिस्टम डाउन था, या वो लोग जो $10,000 से ज़्यादा पहले 48 घंटे में डोनेट करना चाह रहे थे उनकी भी जो डोनेशन थी वो डिक्लाइन हुई। और 4% ऐसी फेलियर्स थे जो कि रिस्क ब्लॉक्ड बिन में थे, यानी कि उन क्रेडिट कार्ड्स पे कोई क्वेश्चन मार्क्स थे और उनके इश्यूअर बैंक ने उनको ब्लॉक कर दिया। तो मैं बताना ये चाह रही हूँ कि 4.3 अरब की एक खतीर रकम थी जो डोनेट नहीं हो सकी, क्योंकि क्रेडिट कार्ड फेलियर्स इन 5 मदों में थे जिनकी तफसील मैंने आपके सामने रखी, और ये दूसरी कैटेगरी थी। और तीसरी कैटेगरी उन डोनर्स की है जो कि ख़ास तौर पर जो अमेरिका के डोनर्स हैं और जो शौकत खानम हॉस्पिटल में अब बड़े दिल खोल के अतियात देते रहते पिछले कई साल दहाइयों से देते रहे हैं, वो इस चीज़ का वेट कर रहे हैं कि हमारे पास फ्लड डोनेशंस की एक 501(c)(3) एक इंस्ट्रूमेंट हो, एक ऑर्गेनाइजेशन हो, ताकि अमेरिका में उनको टैक्स बेनिफिट मिले।
एक फाउंडेशन वहाँ रजिस्टर हो चुकी है और टैक्स फ्री स्टेटस के लिए एप्लीकेशन इस वक्त पाइपलाइन में है। तो इस वक्त शायद आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा हो, ये तीन वजूहात हैं जिसकी वजह से जो प्लेज्ड अमाउंट और अकाउंट्स में जो अमाउंट है उनमें फ़र्क है। स्लाइड्स में हमने और भी बहुत तफसील सामने रखी है ट्रांसपेरेंसी की पेश नज़र, शफाफियत को मलहूज रखते हुए। आपको हमने ये भी बताया है कि हमारे अकाउंट्स कौन से हैं, उनकी गवर्नेंस कैसी है, उनकी यूटिलाइजेशन डिसीजंस कैसे होते हैं और अभी यूटिलाइजेशन से पहले उनमें कितने पैसे थे। हमने शफाफियत के पेश नज़र ये चीज़ भी पब्लिक की है कि हमारे जो तीन बैंक्स में जो डोनेशंस आ रही थी प्लस जो PITB के थ्रू जो क्रेडिट कार्ड डोनेशंस जो राउट हो रही थी और तमाम डोनेशंस उनकी वो किस किस कैटेगरीज में आ रही थी, क्या वो ओवर द काउंटर लोग पैसे दे रहे थे या वो डोमेस्टिक ट्रांसफर्स थे या इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस थी या डोमेस्टिक क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस थी या वायर ट्रांसफ़र आ रही थी। तो ये अगर आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि कोडेड बाय बैंक्स, ये डिटेल आपको छः मदों में नज़र आ रही है कि ये पैसे किस तरह से आए थे। कुछ मैं तफसील बताना चाहती हूँ कि हमारा प्रोसेस क्या था। हमने चेयरमैन साहब की ये हिदायत थी कि जैसे हमने कोविड में डिसबर्समेंट की थी बिल्कुल ही गैर सियासी बुनियादों पर, बिल्कुल ही शफाफियत को सामने रखते हुए एक गैर जानबदाराना अंदाज में बिला तफरीक, उनकी हिदायत ये थी कि डिज़ाइन पेमेंट सिस्टम इसी तरह से डिज़ाइन हो। चार चीज़ों को मैं मेंशन करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो हमने ये डिसाइड किया कि KP और पंजाब में हम सर्वे जो करेंगे वो डिजिटल सर्वे होगा और KP में जो 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 स्कूल्स को मॉनिटर करते हैं उनके लिए ऐप बनाई गई, उनको ट्रेन किया गया, पंजाब में अर्बन यूनिट को ये काम दिया गया और तमाम जो डेटा कलेक्शन हुई वो डिजिटल तरीके से हुई और मौके पे खड़े होके हुई ताकि जो जियो कोऑर्डिनेट्स हैं यानी कि कंप्यूटर में उस जगह के कवायफ आ जाएं और फिर वो तमाम जो इंफॉर्मेशन है वो हमारे डैशबोर्ड्स पर विजिबल होती थी जो अभी आप देख रहे हैं। और ये बहुत अहम था क्योंकि गुज़श्ता दौर में जब कोई आफात आती थी तो ऐसे होता था कि लोग वडेरों के घरों में जाके वहाँ बैठ के पेपर बेस्ड सर्वे कर लेते थे और कोई शफाफियत नहीं होती थी कि कहाँ सर्वे हो रहा है और उसमें सियासी मुदाखलत का बहुत बड़ा अंसर होता था। तो सबसे पहले तो दोबारा एम्फेसाइज करना चाहती हूँ कि डिजिटल सर्वे था, जियो टैग्ड इंफॉर्मेशन थी, डैशबोर्ड्स पे कंट्रोल रूम में जो चाहता है आज भी पंजाब और KP में हम आपको ये इन्फॉर्मेशन दिखा सकते हैं, नंबर एक। नंबर दो, हमने प्री पोस्ट फ्लड इमेजेस जो थे, जो भी डेटा आया जहाँ भी वो जियो टैग हुआ उसमें हमने प्री पोस्ट सैटेलाइट फ्लड इमेजेस डाले ये दिखाने के लिए कि क्या कोई घर उनसे बाहर तो नहीं है। तीसरा, हमने ये डिसाइड किया कि हम पेमेंट सिस्टम में इनोवेशन लाएंगे क्योंकि गुज़श्ता अदवार में जो पेमेंट होती थी वो चेक्स के ज़रिए होती थी, पे ऑर्डर्स पेपर इशू होते थे, वो नीचे पटवारियों के हाथों में ग्रास रूट लेवल पे जाते थे और उसमें बहुत बदउनवानी होती थी, भत्ते लिए जाते थे लोगों से। हमने इस दफ़ा ये डिसाइड किया कि बैंकों की ब्रांचेस में पेमेंट होगी, CCTV कैमरे की आंख के नीचे पेमेंट होगी, डिजिटल पे ऑर्डर होगा ताकि कोई किसी भी बैंक ब्रांच में चले जाए, बैंक ऑफ खैबर, बैंक ऑफ पंजाब की ब्रांच में, तो उसका पे ऑर्डर रिट्रीव हो जाए और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन से पेमेंट होगी ताकि उसमें बदउनवानी ना हो। हमने ये इंसिस्ट किया कि इनको फुल बैंक अकाउंट्स दिए जाएंगे, इनको ATM कार्ड्स दिए जाएंगे, इनको ATM एक्सेस होगी, इनको चेक्स दिए जाएंगे ताकि इनको रिस्पेक्ट से पेमेंट हो बैंकों की ब्रांचों में और ये पहली दफ़ा हुआ मुल्क में। और चौथी जो हमने डिसीजन किया वो ये कि तमाम इन्फॉर्मेशन हम पब्लिक करेंगे, जो एग्रीगेट इन्फॉर्मेशन है वो हम पासवर्ड्स के बगैर लोगों को प्रोवाइड करेंगे, तहसील लेवल की इन्फॉर्मेशन और जो इंडिविजुअल्स की इन्फॉर्मेशन है जहाँ नाम है उसको पासवर्ड प्रोटेक्टेड रखेंगे ताकि अगर कोई देखना चाहे तो ऑडिट की आँख से, मॉनिटरिंग की आँख से
तो उनको भी हम वो दिखा सके। टेलीथॉन के जरिए जमा होने वाली रकम से सैलाब जदगान की इमदाद का शफाफ और मुनज्जम निजाम तरतीब दिया गया है। पहले मरहले में मकामी आबादी की नुमाइंदगी की हामिल सर्वे टीमें घर घर जाकर डिजिटल सर्वे के जरिए घर के कोऑर्डिनेट्स और मुकम्मल कवायफ जमा करती है। ये मालूमात कंट्रोल रूम के डैशबोर्ड पर जमा कर दी जाती है, जहाँ जिला और तहसील के हर घराने का जाम रिकॉर्ड महज एक क्लिक की दूरी पर मौजूद होता है। सैलाब जदा इलाकों की सैटेलाइट तस्वीर भी डैशबोर्ड पर मौजूद होती हैं, ताकि ये अमर यकीनी बनाया जा सके कि इलाका वाकई आफत जदा है और अहल अफराद को ही इमदाद फराहम की जाए। दूसरा मरहला शफाफ तरीके से अदायगियों का है। अहल सैलाब मुतासरीन को एक मैसेज के जरिए मुतलका बैंक ब्रांच की निशानदही की जाती है। बैंकों के जरिए अदायगी का मकसद सीसीटीवी फुटेज रिकॉर्ड है, जिससे बदउनवानी का खदशा कम से कम हो जाता है। फ्रॉड से बचने के लिए अदायगी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बाद की जाती है, ताकि सिर्फ मुतलका अफराद ही रकम की वसूली के मजाज हों। अहल अफराद की सहूलत के लिए तमाम अहल अफराद को बैंक अकाउंट और एटीएम दिए जा रहे हैं, ताकि उन्हें रकम निकालने या सेव करने में मसला ना हो। मैं चेयरमैन साहब आपकी इजाजत से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ गवर्नमेंट ऑफ केपी का, पीडीएमए का, केपीआईटी बोर्ड का, बैंक ऑफ खैबर का, कि उन्होंने हमारे साथ बड़ा तामुन किया। जो आपने मेरी ड्यूटी लगाई थी कि ये सिस्टम डिज़ाइन करें, उन्होंने पूरा तामुन किया। और ना सिर्फ ये टेलीथॉन फंड्स के लिए ये यूज़ हुआ, ये उनकी तमाम हाउसिंग कॉम्पेंसेशन के लिए ये इस्तेमाल हुआ। अब अगर आप लाइव डैशबोर्ड पर देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि पहले तो टोटल हाउसेस डैशबोर्ड पर क्लिक कर लें। ये पब्लिक डैशबोर्ड है, जो कोई भी इसको जाके देख सकता है। ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड इन्फॉर्मेशन नहीं है। आप देख सकते हैं कि केपी में टोटल हाउसेस डैमेज 53,000 लगभग, टोटल अमाउंट रिक्वायर्ड 13.5 बिलियन। अभी तक 34% पेमेंट हो गई है, 4.5 अरब पे हो गए, और इस 4.5 अरब में 1.2 अरब वो हैं जो टेलीथॉन से रेज हुए थे, जो डायरेक्टली चीफ मिनिस्टर केपी के फंड में आए थे। पब्लिक डैशबोर्ड पर अगर आप देखें तो समरी स्टेटिस्टिक्स आप देख सकते हैं कि टोटल डैमेज्ड घर कितने थे, अभी पाइपलाइन कैसे चल रही है, कितना डेटा पीडीएमए के पास है, कितना डेटा बैंक के पास है, कितने अकाउंट्स खुल चुके हैं, कितने अकाउंट्स क्रेडिट हो चुके हैं, ये लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं। फिर अगर कोई अपने डैमेज घर का स्टेटस देखना चाहे और अपना सीएनआईसी डाले यहाँ पर, तो उसको उसका स्टेटस पता चल जाएगा कि क्या उसका डैमेज टाइप क्या था और उसका केस स्टेटस क्या है, क्या बैंक के पास है, क्या पीडीएमए के पास है, क्या उसका अकाउंट खुल चुका है। ये तमाम जो इन्फॉर्मेशन है ये पब्लिक डोमेन में है। अब हमने इंडिविजुअल जो इन्फॉर्मेशन है वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड साइट पे रखी हुई है, ताकि एक एक इंडिविजुअल का हिसाब हम दिखा सकें। और इसमें अगर आप लॉग इन करेंगे और अगर आप कॉम्पेंसेटेड केसेस की लिस्ट खोलेंगे तो आपको लोगों के नाम, उनका उनका फादर्स नेम, उनका सीएनआईसी, अब अपडेटेड सीएनआईसी इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्योंकि जब ये पहला रिकॉर्ड पहली दफ़ा आया था तो उसका उसमें कोई डिस्क्रेपेंसी थी, पीडीएमए ने वापस भेजा और कहा कि इस डिस्क्रेपेंसी को रिजॉल्व करें। उसका डैमेज टाइप लिखा हुआ है, उसका डिस्ट्रिक्ट लिखा हुआ है, उसका तहसील लिखा हुआ है, और जो पैसे उसको दिए गए हैं उसकी भी तफसील इस पे है। तो ये डाउन टू द लास्ट माइल हमारी कोशिश थी कि एक गैर सियासी बुनियादों पर एक शफाफ मुनज्जम गैर जानबदाराना अंदाज से एक नई रिवायत रखी जाए कि तमाम डिटेल्स पब्लिक की जाएं, क्योंकि बारहा हमने देखा है हुकूमतें प्रोमिसज बहुत करती हैं, बहुत प्रोमिसज करती हैं, मगर साल गुजर जाता है और डिसबर्समेंट की कोई डिटेल नहीं होती। इसी तरह गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का भी डैशबोर्ड है, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ केपी का है। यहाँ भी इंफॉर्मेशन कुछ पब्लिक डोमेन में है और कुछ पासवर्ड्स के पीछे है। ये तो रही तफसील केपी और पंजाब के हद तक। चेयरमैन साहब की हिदायत थी कि ये जो पैसे हम इकट्ठे कर रहे हैं ये सिर्फ केपी और पंजाब के नहीं हैं, ये और प्रोविंसेस और वफाकी इकाइयों में भी बटेंगे। बलूचिस्तान की हुकूमत ने गवर्नमेंट ऑफ केपी से ये रिक्वेस्ट की कि आप हमारे लिए हेल्थ एंड लाइफस्टॉक कैंप्स लगाएं, जो कई हफ्ते पहले लग चुके थे।
सिंध के लिए जैसे कि पहले भी मैंने कहा एक अरब हमारे पास पड़ा हुआ है। जो पॉलिसी डिसाइड हुई है वो ये है कि कैश ट्रांसफर्स होंगे, बैंक की ब्रांचेस से होंगे, इसी तरह ट्रैकेबिलिटी प्रोवाइड की जाएगी जैसे कि पंजाब और केपी में ट्रैकेबिलिटी प्रोवाइड की गई है। जो घरों की सिलेक्शन है वो डेटा एनालिटिक्स की बुनियाद पे होगी, मगर उसके लिए हमें सर्वे डेटा चाहिए। अगर हमारे पास हमें सर्वे डेटा ना मिले तो वो हम एक डिमांड ड्रिवन प्रोसेस से उसको कंसिडर करेंगे। जो कैश ट्रांसफर्स यहाँ पर हमने करने हैं वो 40,000 लोगों को करने हैं और 25,000 का कैश ट्रांसफ़र होना है, और जैसे ही हमें डेटा प्रोवाइड होगा तो ये पेमेंट्स फौरन कर दी जाएंगी। जी सानिया, शुक्रिया। आखिर में मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जो सिंध हुकूमत है, हमारे पास 1 अरब रुपया पड़ा हुआ है, हमें डेटा चाहिए। और जिस तरह भी सानिया ने कहा कि अगर हमें डेटा मिल जाए तो हमने 40,000 घरों को फैसला किया हुआ है कि हम उनको पैसे पहुँचाएँ। मैं दूसरी चीज़ सिर्फ अपनी आवाम से ये कहना चाहता हूँ कि देखें, हमारे मुल्क में जब भी कोई सानिया हुआ तो कौम ने वैसे दिल खोल के पैसा दिया जो कि शायद मेरे ख़्याल में और दुनिया के ममालिक ना दें। पाकिस्तानी वो कौम है जो जब भी इनको टेस्ट किया जाए तो ये बड़े खुले दिल से पैसे देते हैं। और मैं आपके सामने वो मिसाल बैठा हूँ कि शौकत हानम कैंसर हॉस्पिटल का सालाना कोई 9 अरब का खसारा होता है। जब 75% कैंसर के मरीज़ों का मुफ्त इलाज होता है तो 9 अरब का खसारा है। हर साल मेरी कौम वो खसारा पूरा करती है। उसी तरह नमल यूनिवर्सिटी है जो कि 90% से 95% मुफ्त पढ़ रहे हैं हमारे स्टूडेंट्स, जो कि उन घरानों से हैं जो कि आला तालीम नहीं अफोर्ड कर सकते, उसके लिए भी लोग पैसे देते हैं। और दूसरा शौकत हानम पेशावर में, उसके लिए भी पैसे देते हैं, वो भी चल रहा है। और वो सारा यानी अफ़गानिस्तान तक वो कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं है सारा नॉर्थ में, लाहौर के नॉर्थ में, जो कि कैंसर का इस तरह का इलाज भी करे और मुफ्त इलाज करे गरीबों का। और फिर अब कराची में 3रा अस्पताल बन रहा है जो सबसे बड़ा है। सब के लिए यही कौम पैसे देती है। तो मैं सिर्फ अपनी कौम का आज शुक्रिया अदा भी करना चाहता हूँ कि आपने हमें मुझे ट्रस्ट किया और ये टेलीथॉन में पैसे दिए। सानिया ने बताया कि पैसे फंसे हुए हैं। एक तो अमेरिका के अंदर जब तक टैक्स स्टेटस ना हो तो लोग उनको टैक्स रिबेट नहीं मिलती, इसलिए वो पैसे रोके हुए हैं उन्होंने। और दूसरा इन्होंने बताया कि क्रेडिट कार्ड से 4.2 अरब रुपया फंसा हुआ है, क्योंकि उन्होंने बताया क्या क्या मसले हमें आए हैं। बाहर से अमेरिका से पाकिस्तान पैसे जब ट्रांसफ़र होते हैं तो बड़ा प्रॉब्लम आता है, बैंक्स बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, और वो उन्होंने आपको बता भी दिया। और ये स्टेट बैंक की फ़िगर्स हैं कि क्यों नहीं आया पैसा, वो स्टेट बैंक ने सानिया को बताया जो उन्होंने तफसील से बताया हुआ है। तो बहुत बहुत शुक्रिया।